Hello everyone, I am Shivani Soni and I welcome all of you to Defense Mania. So today I want to talk about AFCAT exam. The complete coverage, how would you strategize this particular exam? So I want to ask you a question. Aap is exam ko kaise categorize karoge? Is it an easy exam or is it a difficult exam? Aap kis category mein is particular exam ko daloge? And why? And how? Four times in a row. So according to me, ये mix of both है, इसलिए हम एक अलग category बना सकते हैं altogether. Why I am saying this? Because difficult exam ये इसलिए है. The supporting statement for that is the number of subjects being asked, like reasoning, GK, maths, English, इतने सारे subject आपको एक साथ एक go में attempt करनी है. तो it is little difficult exam to prepare. साथ में ये एक इजी एग्जाम भी है. क्यों? बिकॉज व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर डिफेंस एग्जाम्स लाइक सीडीएस जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. जबकि आप अगर एफकेट एग्जाम को अप्योर करते हो तो आपको उतना डिटेल और उतने डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ती. यू जस्ट हैव टू बी थोरो विद द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल फोर सब्जेक्ट्स, ठीक है. इसलिए ये एक ईजी एग्जाम भी है स्कोर करने के लिए. सो आज हम बहुत डेप्थ में बात करेंगे, लाइक बहुत छोटे छोटे डाउट्स को उठाएंगे. मैंने थोड़े दिन पहले ही एक पोस्ट रिलीज किया था कि व्हाट आर योर कंफ्यूजन्स अबाउट एफकेट एग्जाम्स. लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेके कंफ्यूज होते हैं और उनकी प्रिपरेशन इम्पैक्ट कर जाती है इन्हीं कन्फ्यूजन्स की वजह से. तो लेट मी क्लैरिफाई इट विद यू राइट हियर राइट नाउ. तो आपका एग्जाम अगर अब 5 महीने बाद है या 5 दिन बाद है, दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इक्वली यूजफुल फॉर यू, चाहे आप कोई भी टाइम पीरियड में इसको देख रहे हो, राइट. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डाउट, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर एफकेट एग्जाम. लाइक आई हैव सीरीज ऑफ डाउट्स इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ वुड आई प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. इंग्लिश में वो कैब नहीं आ रही तो क्या करें, रीजनिंग में क्वेश्चन आते तो हैं बट नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, मैथ्स आते नहीं है पहले से, जीके में स्कोर नहीं हो पाता, ईकेटी का क्या स्ट्रक्चर है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग हियर. स्टार्टिंग से सुनो. देखो इस पर्टिकुलर टॉक में है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस जो मेरे सामने रखे गए थे उसको मैं डिस्कस आउट कर रही हूँ, ठीक है. इनकेस आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस टॉक में, आप अब वापस कॉमेंट कर सकते हो ताकि आई कैन आंसर ऑल दोज क्वेश्चन और कोई भी सिली सा डाउट अनआंसर्ड ना रह जाए. Okay, so how would you prepare for this particular exam? कैसे करना चाहिए? चार आपके सामने बड़े बड़े pillars हैं AFCAT के, English, Maths, Reasoning और GK. चारों के चारों syllabus इतने vast है, how would you prepare for that? Starting करते हैं English से, ठीक है. देखो इसमें दो subjects ऐसे हैं जिसमें आप अपना time invest करोगे तो आपको बहुत high returns मिलेंगे, ठीक है. और दो subjects ऐसे हैं जो थोड़े से vast हैं, जैसे इंग्लिश और जीके जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. जबकि हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, जो 18 प्लस 32 क्वेश्चंस, मैथ्स में 18 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस आती है, आप उन पे इफेक्टिव मेहनत करोगे तो यू कैन इवन अटेम्प्ट 100%, इफ नॉट 100% मोर देन 90% आप पॉजिटिव अटेम्प्ट्स कर सकते हो इसमें. एंड वन की आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज, बच्चों का कट ऑफ क्यों क्लियर नहीं होता एफकैट का. इसलिए नहीं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती चीजों की, उनका क्लियर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में दे ओवर अटेम्प्ट, ठीक है. इसमें इट इज लाइक धमाल मूवी आपने देखी है जिसमें वो एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं, लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था. तो इट इज लाइक द सेम, आप मीम भी बना सकते हो इस पे कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, नहीं करने थे. So key here is how to leave questions, how to avoid negative marking. अगर आप negative marking को altogether attempt कर पाते हो, ये pro level अगर आप अपने आप में develop कर लेते हो, तो trust me आपको cut off clear करने से तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. तो avoid this thing. So
वी वर एट कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. सबसे पहले इंग्लिश और जीके के बारे में, जो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है और थोड़ा सा वास्ट भी होता है, तो उसमें हम कर नहीं पाते. स्टार्टिंग विथ इंग्लिश, इंग्लिश को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. इंग्लिश में भी आप डीजे में देखो तो तीन पिलर होते हैं, दैट इज वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर पार्ट. ये तीन ही पार्ट आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में, कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के फॉर्म में, कोई क्लोज टेस्ट फिलर्स, स्पॉटिंग एरर उन फॉर्म में, बट ये तीन पिलर्स होते हैं. अब आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो ग्रामर को. ग्रामर के जो भी लिटरेचर के रूल्स होते हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर कर सकते हो. बाकी आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करो, आप वोकैबुलरी की बात करो, आप उसका एज सच प्रिपरेशन नहीं कर सकते. तो हाउ टू स्कोर गुड इन वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन. टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कुछ मत करो, डेवलप रीडिंग हैबिट. अब जितना भी टाइम बच गया है आपके एफकैट एग्जाम के लिए, बस आप रीडिंग प्रैक्टिस इवॉल्व करो. आपको आदत नहीं होती इंग्लिश पढ़ने की, ठीक है, और एग्जाम प्रेशर की वजह से आपको टाइम ज्यादा लग जाता है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है. इट इज वेरी सिंपल, एक पैसेज आपको दिया होगा, उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं और उसी में आंसर छुपा हुआ है. इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, बस आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है. रोज एक पेज पढ़ो और प्रैक्टिस करो, जो भी आपके एफकैट प्रीवियस ईयर पेपर्स है या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है, जस्ट प्रैक्टिस इट आउट एटलीस्ट वन पैसेज इन अ डे एंड दैट्स इट. कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनी वोकैब पार्ट एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. इट इज बिकॉज लिटरेचर इज एंडलेस, लिटरेचर बिल्कुल एंडलेस होता है. अगर लक हुआ तो अगर आपने 10 वर्ड्स पढ़े होंगे वही 10 वर्ड्स पूछे जाएंगे, और लक खराब हुआ तो अगर आपने 100 वर्ड्स भी पूछे होंगे तो उन 100 में से एक भी वर्ड पूछा नहीं जाएगा. तो अगर आप ऐसे कहो कि एफकैट के लिए वोकैबुलरी डेवलप करनी है तो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली. तो वोकैब के लिए क्या किया जा सकता है, आप डेली बेसिस पे अपना बस इंग्लिश इंप्रूव करने की अगर कोशिश करोगे, नए वर्ड्स सीखने की कोशिश करोगे, उनका कॉन्वर्जेशन में उसको यूज करोगे, रिवाइज करोगे, तो अगर क्वेश्चन फंसने होंगे तो फंस जाएंगे. दिस शुड नॉट बी डन कि अभी एफकैट को बहुत कम समय बाकी रह गया है, एट वन गो 100 वर्ड्स को पढ़ लो. दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट पॉसिबल. यस, इतना कर सकते हो कि SSC के बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं एफकैट एग्जाम में, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो. अदरवाइज माई ऑनेस्ट एडवाइज इज फॉर वोकैबुलरी एफकैट के लिए प्रिपेयर मत करो, अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश करो, फिर ऑल टुगेदर आपका एफकैट का वोकैब तैयार हो जाएगा, ठीक है. और फिर भी अगर आपको ये बहुत हार्ड पार्ट लग रहा है, नो बिग डील, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसमें आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो पॉजिटिव, दैट इज गुड इनफ. आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अंधेरे में तीर मार रहे होंगे. देर आर सो मेनी वर्ड्स, आप कितने याद रख लोगे, है ना, कितने ही याद रख लोगे, एंड देर इज नो श्योरिटी के वही वर्ड आपसे पूछा जाए. देर आर एंडलेस वर्ड्स, तो यू कैन लीव ऑन टू दिस पार्ट. और प्रिपेयर करना है तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करो, अपनी खुद की वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए रीड आउट करो. दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन वोकैबुलरी पार्ट. तो इंग्लिश विल कम बाय ग्रामर रूल्स, बाय प्रैक्टिस, बाय सॉल्विंग मैक्सिमम MCQs, बाय गेटिंग इनटू दैट वाइब, बाय दैट ऑरा, ठीक है. इंग्लिश की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड दैट्स इट. टॉकिंग अबाउट जीके, जीके में देखो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं. There are so many subjects which comes under the umbrella of GK, that is polity, history, geography, miscellaneous, defense parts, current affairs, economics, science, कितने सारी चीजें हैं, बस 25 question के लिए पूछा जाता है. That makes, अगर सिर्फ polity से आपके 2-3 question आएंगे, history से 1-2 question आएंगे, geography के से 2-3 question आएंगे, so 2-3 question के लिए ऐसा क्या पढ़ा जाए, ठीक है. So there are some topics which I have already told you in the previous lectures. 20 topic वाली video मैंने बनाई है, वापस से एक बार देख लेना. Repeating it out again, जो high frequently asked topics हैं, एक question तो हर बार पूछा जाता है, that is sports. Sports की terminology, trophies, important personalities, सारे events, जैसे Olympic first time कहाँ पे हुआ था, प्रीवियस ओलंपिक कहाँ हुआ था और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है, कौन सा कंट्री उसे होस्ट करने वाला है,
या तो स्पोर्ट्स के विनर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेडल किसने जीता, फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता. तो एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स यू नीड टू नो. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. ठीक है, जितने भी टॉपिक्स बताए स्पोर्ट्स के, एक 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 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. स्पोर्ट्स के बाद आपके हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है. कैपिटल एंड करेंसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. बट माई एडवाइस टू यू इज डोंट गो थ्रू दैट. देर आर सो मेनी कंट्रीज, देर आर सो मेनी कैपिटल्स, वो मिक्सअप हो भी सकता है, आप नेगेटिव मार्क भी कर सकते हो उधर. तो एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत मत करो. इंस्टेड जो टॉपिक हमेशा आते हैं आप उसमें मेहनत करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के. तो यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कैपिटल करेंसी वाला. नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर्स. बुक्स एंड ऑथर्स में तीन टॉपिक्स आते हैं. तीन टॉपिक्स कौन से? एक तो हिस्ट्री की बुक्स, जैसे गीतांजलि बुक है वो किसने लिखी है, एंशियंट हिस्ट्री की सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनकी बुक तो हमेशा एवरग्रीन रहती है, हमेशा पूछी जाती है. एंड थर्ड पार्ट इज जो करंट अफेयर्स पे बुक, जो 6-8 महीने में रिलीज हुई हैं, बहुत फेमस हुई हैं, फेमस राइटर ने लिखी हैं, वो बुक आपसे पूछी जा सकती है. तो बुक्स एंड ऑथर्स वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन नेक्स्ट इज अवार्ड एंड ऑनर्स. अवार्ड एंड ऑनर्स जैसे नेशनल अवार्ड्स, सिनेमा रिलेटेड सारे अवार्ड, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड्स है ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस सेक्शन से. ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से बात करूं, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, उनकी लोकेशन और उनको किसने बनवाया, जैसे ताजमहल उसकी लोकेशन आगरा, किसने बनवाया शाहजहां. तो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इस तरीके से जो मैंने 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं प्लीज उन्हें गो थ्रू कर लेना, आफ्टर की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे. तो मेक अ टिक मार्क, 20 टॉपिक्स हो गए, दिस 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 दिस. अगर 20 टॉपिक्स में से आपके 15 से 16 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो दिस इज गुड इनफ. यू नीड नॉट टू अटेंड 100% ऑफ एवरी सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मैथ्स पार्ट. मैथ्स में आते हैं 18 क्वेश्चन एंड देर आर सो मेनी पीपल. एक कम्युनिटी बन गई है कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, शुरुआत से अच्छा नहीं था, तो कैन वी लीव मैथ्स का पार्ट 18 क्वेश्चंस. माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, इवन आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी ओनली कि जो मुझे मैथ्स अच्छे से आता नहीं है या मैथ्स पसंद नहीं है. बट जब मैंने AFCAT की तैयारी शुरू की, AFCAT का मैथ्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता. स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम राइट नाउ, अभी से शुरुआत करोगे ना आराम से हो जाएगा. जरूरत क्या होती है इसमें, मिस्टेक टू अवॉइड, ये आपको कोई नहीं बताता है. मिस्टेक टू अवॉइड इज AFCAT में ना एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लाइक अगर वो टाइप का क्वेश्चन आया है तो उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, दिस इज बीइंग रिपीटेड. बट अब है ना AFCAT अपने आप को डेवलप कर रहा है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं. और बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता वो सेम गलती करते हैं कि अनइंटेंशनली वो स्टेप्स को मेमोराइज कर लेते हैं. अच्छा, सर ने ऐसा बताया था, मैम ने ऐसा बताया था, ये स्टेप्स के बाद ये स्टेप आना चाहिए, ये अनइंटेंशनली हम मेमोराइज कर लेते हैं. और थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होता है ना तो हमारे पूरे स्टेप्स की वो रिदम बिगड़ जाती है. ठीक है, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है और हमें ऐसा लगता है मैथ्स हमें समझ ही नहीं आता. तो प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट मेमोराइज द स्टेप्स. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि वो क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाह रहा है. बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में जब पढ़ भी रहे हो ना, अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में उसको सॉर्ट आउट करो, पूरा अनफोल्ड करो क्वेश्चन को, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो. और फिर प्रैक्टिस मैक्सिमम, प्रैक्टिस मैक्सिमम. मैथ्स और रीजनिंग के लिए ओनली सॉल्यूशन इज जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उस गलती को रेक्टिफाई करने का आपको टाइम मिल जाएगा. मैथ्स के लिए दिस इज द थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, ये आपको क्लियर हो गया ना कि मैथ्स आपको छोड़ना नहीं है. मैथ्स करोगे तो 18 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं. तो डोंट लीव ऑन टू द मैथ्स पार्ट. मैथ्स और रीजनिंग आपका सबसे स्कोरिंग पोर्शन है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको. टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग में 32 सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझो. ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारे डाउट्स मुझे मिलते हैं, आई नो दिस पार्ट. रीजनिंग से
बहुत इजी पोर्शन लोगों को लगता है कि यस दिस इज वेरी इजी, दिस कुड बी डन, बट आप नेगेटिव मार्किंग का रेशियो देखोगे ना, मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग आपकी रीजनिंग में होती है. व्हाई इज इट सो? कोई भी एक क्वेश्चन आप उठा लो, फिगर कंप्लीशन या तो फिगर सीरीज का आप क्वेश्चन उठा लो, देयर इज लिटिल चेंज इन द एरो ओनली. पहले राइट होता है, फिर लेफ्ट हो जाता है, किसी में 90 डिग्री होता है, किसी में 45 डिग्री होता है, कॉन्सेक्यूटिव होता है, ठीक है, दिस इज द चेंज. बट वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द एग्जाम इज आपको वो लिटिल चेंज नजर नहीं आता है, आप कुछ छोटा सा फैक्टर मिस ऑन कर देते हो. नो डाउट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. अगर आप घर पे बैठ के करोगे तो आप 10 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, बट एग्जाम में ये चीज होती है बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है दैट हैज बीन हैम्पर्ड. उसको हैम्पर होने की वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर जाते हो, बहुत छोटे से फैक्टर को मिस ऑन कर देते हो और जल्दी से गलत ऑप्शन को टिक करके आते हो. Although reasoning से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग उसी पार्ट से उठाते हो. तो जस्ट काम योर सेल्फ डाउन कि ठीक है, जब रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, टेक 1 मिनट ब्रेक, डीप ब्रेथ्स लो और फिर कहो कि ठीक है, आई एम इन टोटल माई विट्स. आप एक बार आंसर आ भी रहा है, एस्टैब्लिश हो जा रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी है, क्रॉस चेक कर लो, एक और बार क्रॉस चेक कर लो, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू नेगेटिव इन द पार्ट विच इज एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी. फिर एनालॉगी का मुझे बहुत डाउट आया था कि एनालॉगी कहाँ से, खासकर वर्बल एनालॉगी कहाँ से की जाए. देखो, आर एस अग्रवाल, आई एम सजेस्टिंग दिस बुक टू यू, आर एस अग्रवाल ने कुछ टॉपिक्स हैं, टिक ऑन कर लो कि एफकैट में कितने टॉपिक्स पूछे जाते हैं. बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बताया होगा, साहिल सर ने बताया होगा, तो उन सारे टॉपिक्स को टिक कर लो आर एस अग्रवाल की बुक से और डू ऑल द क्वेश्चंस. 90% क्वेश्चंस आपके आते हैं आर एस अग्रवाल की बुक से ही. ठीक है, तो वो बुक आप एज अ प्रैक्टिस ले सकते हो फॉर योर रीजनिंग फॉर एफकैट एग्जाम. ठीक है, दिस इज डन. ओके, अब आप कैटेगराइज कैसे, स्ट्रेटेजाइज कैसे करोगे पूरे इसको, मोर फोकस ऑन रीजनिंग एंड मैथ्स एंड देन जीके. अगर जीके के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जस्ट उसको गो थ्रू करो, उससे आपके 50% पेपर जीके का सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और जो बाकी बचा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन पार्ट से आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कोर्स में, तो नो डाउट आई एम डूइंग, इवन यूट्यूब पे भी मैराथन मैंने ले चुकी है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, इंग्लिश के लिए ग्रामर रूल्स इज एनफ, कॉम्प्रिहेंशन इज बाय प्रैक्टिस एंड वोकैब, डू इट फॉर योरसेल्फ एंड नॉट फॉर द एग्जाम, दिस इज डन. नाउ अब ईकेटी के डाउट्स आते हैं, ईकेटी को कैसे किया जाए. डाउट ये आया था कि ईकेटी के मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं होते, इज इट क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग. देखो, ईकेटी इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ये उन्हीं बच्चों को देना होता है जिन्होंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, टेक्निकल ब्रांच ऑफ एफकैट के लिए अप्लाई किया होता है, हु इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बाय ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के हैं, उन्हीं को ईकेटी देना होता है. एंड यस, उसके मार्क्स काउंट होते हैं. अगर यू आर अपीयरिंग फॉर ईकेटी तो उसके मार्क्स काउंट होते हैं फॉर टेक्निकल ब्रांच. ऑल टुगेदर आपकी मेरिट भी ईकेटी में काउंट होती है. ठीक है, By chance, if you fail to clear your EKT का cut off, don't worry, अगर आपका AFCAT का cut off clear होगा तो आपको ground duty दे दिया जाएगा, provided आपने अपने option में वो mention किया होगा. ठीक है, तो EKT में अगर आप fail होते हो और AFCAT का आपका आ जाता है cut off के ऊपर और ground duty आपने as an option tick कर रखा है, तो don't worry, you will get the SSB call letter. For flying branch, for non-technical branch, you need not to give your EKT exam. That is only for engineers. ठीक है? I hope maximum doubts इसके आपके clear हो चुके होंगे. ठीक है? तो छोटी-छोटी चीजों के पीछे मत भागो. Three things to avoid, that is vocabulary. उसके पीछे लोग दिन लगा देते हैं 1000 words याद करने में. Don't do that. Capitals and currency, don't do it. क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है. थर्ड थिंग टू डू इज अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. आप कोई बड़ा तीर नहीं मारोगे अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे. बचो जितना भी नेगेटिव मार्किंग से बच पा रहे होंगे. ठीक है, आई होप मैंने सारे ही क्वेश्चन इसमें आंसर कर दिए होंगे. इफ नॉट, टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर
each one doubt of yours. ठीक है, so I'll take leave here. I hope आपको ये काम आया होगा, ये small talk आपको काम आई होगी. This was much needed here, है ना? So I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.